हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन अवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टू अंडरस्टैंड द क्रॉस प्रोडक्ट, लेट्स कंसिडर टू वैक्टर्स, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी। दीज आर द टू वैक्टर्स A and A, B, and if theta is the angle between them, then cross product of vector A and B can be written as A cross B. और यहां से आपको पता चल गया होगा why it is called cross product, because there is a cross between the vector A and B. This is the cross, so it is known as the cross product. और ये किसके बराबर होता है? It is equal to product of magnitude of vector A, magnitude of vector B एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके साथ क्या लग जाएगी? इसकी डायरेक्शन लग जाएगी। यहां पे एक बात आपको ध्यान दे रखना है, और वो क्या है कि जहां पे देख रहे हो इस वेक्टर के बीच में दो एंगल है, इन वेक्टर्स के बीच में दो एंगल हैं, एक तो थीटा है और जो दूसरा एंगल है वो है 360 माइनस थीटा। एंड आउट ऑफ दीज टू एंगल्स, थीटा एंड 360 माइनस थीटा, विच इज द स्मॉलर, तो आप देखते हो थीटा इज द स्मॉलर एंगल। So, यहां पे हमें लेना कौन सा है? स्मॉलर एंगल लेना है, जो लार्जर एंगल है वो हमें नहीं लेना। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर क्या हो गया एन, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। ए का बी का जो प्रोडक्ट आया वो एक वेक्टर आएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर लगाया ना इसके साथ, इसका मतलब पूरा के वेक्टर बन गया। इस वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे लिखूं? तो देखिए, उससे पहले हम एक बात और भी देखते हैं कि जो ए बी साइन थीटा मैंने लिखा, इसको आप समझ कैसे सकते हो कि मैं उसको ए बी साइन थीटा कैसे लिखूं? डायरेक्शन हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए, दो वैक्टर हैं आपके पास, यहाँ पे इसको लिखा आपने वैक्टर ए और इसको आपने लिखा वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी, और ये क्या है, इनके बीच में एंगल है थीटा। हमने ए क्रॉस बी लिखना है, तो हमारे पास हुआ ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा है, इसका मतलब बी जो है ना, बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यहां से स्प्लिट कर लेते हैं, तो बी का एक कंपोनेंट यहां पे हो जाएगा ये बी साइन थीटा, और बी का दूसरा कंपोनेंट यहां पे हो जाता है बी कॉस थीटा। ए बी कोस थीटा स्केलर प्रोडक्ट है, हमारी पिछली क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां आप ध्यान से देखना कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा गया? क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया वेक्टर ए और बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और ए। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ए बी साइन थीटा, किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप जैसे ऐसे लिख रहे हो ए क्रॉस बी हम इसको लिख रहे हैं, तो ये आपके पास कैसे आ गया? ए और बी साइन थीटा, ऐसे है ये, ध्यान रखना। अलग अलग लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा? ए और बी साइन थीटा, यानी बी का कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट, जो ए के परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया ए बी साइन थीटा। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन लिखोगे तो फिर आप एल लगा दोगे, ठीक है। इसके रिवर्स अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ जाता बी क्रॉस ए, क्या फाइंड आउट करना पड़ता? बी क्रॉस ए, तो क्या करते? तो बी क्रॉस ए कैसे लिखा जाएगा? बी क्रॉस ए लिखा जाएगा आपके पास बी ए साइन थीटा और इसका भी यूनिट वेक्टर एन। तो बी क्रॉस ए को कैसे लिखोगे? तो बी क्रॉस ए को समझने के लिए आप फिर से इसको ऐसे लिखो ए बी, यानी हमें क्या करना है, हमें बी का और ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इस बार आपको ए के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो ए का एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? ए कोस थीटा, और ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आपके पास जो बी क्रॉस ए आने वाला है, वो बी क्रॉस ए आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, वो लिखोगे बी ए साइन थीटा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का साइन लगा देता हूं क्योंकि मैंने यहां पे वेक्टर नहीं लिखा ना,
और अगर आप वेक्टर लिखोगे तो इसको छोड़ो, यहां पे वेक्टर का साइन लगा देते हैं। तो समझ गए ना, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो गिवन होती है बाय द राइट हैंड थंब रूल। किससे देते हैं डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। एंड व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, आई थिंक यू हैव सम बेसिक आइडियाज अबाउट द राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज इन योर क्लास 10 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, इन द राइट हैंड थंब रूल आप अपने राइट हैंड को ऐसे करते हो, फिर फिंगर्स को ऐसे रोटेट करते हो, फिंगर्स को ऐसे, क्योंकि ऐसे तो रोटेट कर ही नहीं सकते, फिंगर कैसे रोटेट होंगे, ऐसे थंब किधर जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे 10th क्लास में आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, करंट सर्कुलर पाथ में से करंट जा रहा है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता था, या करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, ऐसे फिंगर्स के रोटेशन के डायरेक्शन में होता था, वहां पे हमने अप्लाई किया था। यहां पे हम कैसे करने वाले हैं, देखिए ये जो आपकी फिंगर्स हैं और फिंगर का जो रोटेशन है वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, वो ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो थंब है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा उस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को, मतलब ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी बी ए साइन थीटा, और इसके साथ एन जो वेक्टर आया है, पूरा ये जो वेक्टर बना है इसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी, इस थंब से जाएगी। देखो कैसे समझेंगे इसको, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से, कोई भी प्लेन मान लेता हूं ना, प्लेन क्या होता है, जिसके पास दो डायमेंशन हो, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ जिसके पास, उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो दो डायमेंशन का कोई प्लेन मान लिया, मैंने लिख लिया, सपोज करो ये वेक्टर ए है प्लेन में, और इस प्रकार से ये कौन है, ये वेक्टर बी है, और ये इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक, ए और बी इस प्रकार से। अब देखिए आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ए के और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या आने वाली है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ थंब लेना है, कैसे लेना है, ए से बी की तरफ। तो अपने थंब को ऐसे रखोगे ए के ऊपर, और किधर ले जाओगे, ऐसे बी की तरफ ले जाओगे, तो ऐसे ए से बी की तरफ आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो एक बार बोर्ड के ऊपर मैं बाहर की तरफ इस डायग्राम के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी नहीं, मतलब ये हो गया ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, उसकी डायरेक्शन यहाँ से ये होगी। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए आपको बी क्रॉस ए रिप्रेजेंट करना है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दो तीन डायग्राम बना के अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और दो तरह के नोटेशन होती हैं इसकी, वो दोनों आपको बता रहा हूँ। ये हो गया वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज एंगल बिटवीन देम। इस बार आपको फाइंड आउट करना है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए फाइंड आउट कीजिए, यानी अब आपको बी से ए की तरफ का बी से स्टार्ट करना है। मान लीजिए आप यहाँ रख के ऐसे करोगे तो फिंगर ए से बी की तरफ जा रही है, तो बी से ए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां करके अपने फिंगर्स को ऐसे रखोगे बी के ऊपर और बी से ए की तरफ, क्योंकि अपने आप को तो वन डायरेक्शन में आप रोटेट करवा सकते हो ना फिंगर्स को, तो फिंगर्स अगर आप करोगे तो इस बार ऐसे रोटेट होंगी, तो थंब किधर गया, अंदर की तरफ गया, तो अंदर वाले डायरेक्शन में इस बार रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ये कर रहा है बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा और यूनिट वेक्टर इसके साथ क्या लग गया, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक प्रकार से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक नया वेक्टर सी कंसीडर कर लो, तो इसको आप वेक्टर सी बोल सकते हो, बी क्रॉस ए को भी मैं यहाँ पे एक नया वेक्टर सी कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये सी के बराबर हो जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है करने का, इन वेक्टर्स को आप कैसे भी कंसीडर कर सकते थे, ठीक है, आप इनको ऐसे भी मान सकते हो, जैसे ये वेक्टर ए हो गया जो सबसे ईजी वे होता है, बच्चे लगभग ऐसे ही मानते हैं ए और बी, तो ये इनके बीच में क्या होगा, थीटा। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर आएगा, वो ऐसे आएगा बाहर की तरफ, तो अब बाहर की तरफ आने का एक नया नोटेशन आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था,
हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फिंगर हमारी ऐसे जाएंगी, तो थंब आ रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड थंब आ रहा है, तो हम एक नोटेशन और होता है करने का, और वो क्या होता है आउटवर्ड होता है उसको डॉट लगा देते हैं, आउटवर्ड को किससे कर देते हैं डॉट। यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए जैसे आपके पास ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इसका आपको ए क्रॉस बी लिखना है, क्या लिखना है ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ फिंगर स्क्वायर से रोटेट करोगे तो थंब किधर आया बाहर की तरफ आया, तो एक वे तो आपको ये बताया था, दूसरा वे क्या है अगर बाहर की तरफ है तो उसको हम डॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं डॉट, तो ए क्रॉस बी, यहां पे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं यहां पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैग्नेट्यूड वगैरह कुछ मत समझ लेना, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है पेज के बाहर है, या आउटवर्ड नॉर्मल टू पेज ऐसे लिख सकते हो, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू पेज, आउटवर्ड है बाहर की तरफ है और पेज के नॉर्मल है, पेज के नॉर्मल होने का मतलब जिस पॉइंट से वो पेज से बाहर निकल रहा है वहां पे वो 90 डिग्री है, और ये ए के बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड नॉर्मल टू पेज, या सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो आउट टू द पेज, क्या बोल सकते हो आउट टू पेज, या प्लेन आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हो पेज पे तो उसको मैंने पेज कंसीडर कर लिया, उसे बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है। अब क्वेश्चन ये आया कि इसको मैंने डॉट से क्यों लिखा, तो देखिए जब भी आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है तो डायरेक्शन को इस प्रकार से आप एरो मार्क से लिखते हो, किसे लिखते हो एरो मार्क से लिखते हो, जब भी आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो आप एरो लगा देते हो, इधर जाना है आपको तो आपके उधर आपने एरो लगा दिया। अब ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से एरो किधर आ रहा है आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आएगा तो इसकी जो एरो की टिप है ये टिप दिखाई देगी ना आपको, ये टिप ही तो दिखाई देगी, टिप दिखाई देगी तो सामने अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उसका डॉट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया डॉट लगा दिया। अब दूसरा ए, अगर हमें फाइंड आउट करना हो बी क्रॉस ए, बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इस बार देखो थंब को रखेंगे फिंगर्स को रखेंगे बी के ऊपर और बी से ए की तरफ हमें रोटेट करवाना है क्योंकि फिंगर ऐसे बैक तो हमारी जा नहीं सकती, ऐसे करेंगे तो थंब किधर आया इन टू द पेज, तो ये क्या हो जाएगा इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनटू पेज या इनवर्ड नॉर्मल टू द पेज हो जाएगा, नॉर्मली हम इसको इनटू द पेज लिख देते हैं, इनटू द पेज जो होता है ऐसे वेक्टर ए और ये क्या हो गया वेक्टर बी और थीटा हो गया इनके बीच का एंगल बी क्रॉस ए लिखा है हमने इस बार, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट की जाएगी यहां क्रॉस से, क्रॉस क्यों क्योंकि ये जो एरो है एरो का जो फ्रंट पार्ट टिप पार्ट है वो तो आपको डॉट दिखाई देगा और एरो का जो बैक पार्ट होता है बैक से जो एरो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, तो अगर एरो आपसे ऐसे दूर जा रहा है तो आपको एरो का सिर्फ ये पोर्शन दिखाई देता है एंड इट सीम्स लाइक द क्रॉस, सो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया क्रॉस पुट कर दिया, तो ऐसे करके आप क्या करते हो क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो एक वे ये है और दूसरा भी हमारे पास कौन सा है डॉट लगा के, ठीक है, और नॉर्मली आप इसको प्रीफर करना डॉट और क्रॉस को, डॉट का मतलब क्या है बाहर है, क्रॉस का मतलब क्या है पेज के अंदर है, तो ऐसे करके हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं दो वेक्टर कंसिडर करते हैं, एक वेक्टर ए मान लिया और इस प्रकार से ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर ए और बी से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रकार से और इसके जो कॉर्नर्स हैं नाम दे देते हैं इनको, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, और ये है वेक्टर बी और ये क्या है आपके पास वेक्टर ए, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। हम यहाँ से क्या करते हैं
ये तो आपको पता है यहाँ पे दिस इज एंगल थीटा, ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिखना है। क्या लिखना है? ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। तो ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपके पास होता है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, जिस जो भी वेक्टर था उसको हमने हटा दिया मैग्नीट्यूड करके, तो सिर्फ वैल्यू हमारे पास आई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिखें। ए ए वेक्टर कौन है? वो है पी क्यू। ए कौन है? पी क्यू। तो ए को तो मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, या मेरे पास बी साइन थीटा है। क्या है? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा मतलब है बी का साइन कंपोनेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से बी के मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। तो बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊँ तो यहाँ से मैं देखूँगा तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, ये जो आने वाला है ये आएगा बी साइन थीटा। क्या आएगा? बी साइन थीटा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ से एक बार। तो ए को तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू। ए को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ए को हम लिख सकते हैं यहाँ से पी क्यू। बी को क्या लिख सकते हैं? पी एस। बी को क्या लिख सकते हैं? पी एस। और साथ में क्या आ गया? ये साइन थीटा। पी क्यू इंटू पी एस साइन थीटा। अब पी एस साइन थीटा को मैं क्या लिखूं? पी एस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं वो आपको यहां से देखना है, ठीक है। तो देखिए यहां से आप देखते हो कि पी एस साइन थीटा जो है वो इसके बराबर है, एस है, या पे इसको मैं नाम दे देता हूं एन। क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को? एन। ये जो पी एस साइन थीटा है, पी एस साइन थीटा तो इसके बराबर है। पी एस साइन थीटा मतलब पी एस वेक्टर बी का साइन कंपोनेंट है। साइन कंपोनेंट तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये थीटा है ये आपको निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा मतलब पी एस साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके दिस साइड बाय दिस साइड करोगे तो भी आपके पास ये इतना आने वाला है। तो यहाँ से जो बी साइन थीटा है, यानी कहने का मतलब है जो पी एस साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं एन एस। क्या लिख सकते हैं इसको? एन एस। ये आपके पास हो जाएगा पी क्यू इंटू पी एस को क्या लिख सकते हैं? एन एस लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो पी एस साइन थीटा इज इक्वल टू एन एस। और ये जो पी क्यू इंटू एन एस आया है, ये क्या है? एक साइड है और एन एस क्या इस पैरेललोग्राम की हाइट है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके एरिया के बराबर होता है। तो ये क्या है? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मिला इससे में? पैरेललोग्राम का एरिया मिला। तो यहाँ से एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई हमारे पास, और इसका एक आगे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जब भी पैरेललोग्राम का आपसे एरिया पूछा जाए तो जो पैरेललोग्राम की दो साइड है, दो साइड के लोग दो वेक्टर कंसीडर कर लो, एक वेक्टर एक साइड के लोग वेक्टर हो गया, जैसे ए वेक्टर ए हो गया, इसको यहां लिख देते हैं। एक साइड के लोग वेक्टर कौन हो गया? ए। दूसरी साइड के अलोंग वेक्टर कौन हो गया? बी। तो ए का और बी का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम होगा। और हम यहां से ये भी कर सकते हैं, इसका अगर हम हाफ कर दें, क्या कर दें? आल्सो अगर इसका हम हाफ कर दें, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एरिया का अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और किस ट्राइंगल का एरिया? ये उस ट्राइंगल का एरिया जिसकी जो दो साइड होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये ट्राइंगल बना दी, तो एक साइड है उसको मैंने वेक्टर ए से लिखा, दूसरी साइड है उसको मैंने वेक्टर बी से लिखा। तो इसका अगर एरिया है तो किसके बराबर होगा? ए के और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के, मतलब किसके बराबर होगा? वो होगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद करना कि जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ट्राइंगल का एरिया होगा वो उसके हाफ के बराबर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है।
तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आपको पता है अब तक आप सीख चुके हो कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ठीक है, और बी क्रॉस ए को हम लिखेंगे बी ए साइन थीटा, इसका वेक्टर ये रहेगा, इसका वेक्टर ये रहेगा, ठीक। ये भी हम देख चुके हैं कि जैसे वेक्टर ए हमने ये माना, वेक्टर बी हमने ये माना, इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये आएगा आउट ऑफ द पेज, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो ये किधर आएगा, इन टू द पेज। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास यही हो जाएगी कि जो ए क्रॉस बी होता है, प्रॉपर्टी नंबर वन तो आपके पास यही हुई कि ए क्रॉस जो बी होता है वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर हो गया है, बट ये वेक्टर है, और आप देखोगे ये वेक्टर आउट टू द पेज है, ये वेक्टर इन टू द पेज है, मतलब डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और यू कैन से दैट दिस वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, यानी इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ओ ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए क्रॉस बी है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये इस प्रकार से है, यानी ये जो वेक्टर है और ये दो इक्वल वेक्टर तो है बट कैसे हैं, ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, या ए डॉट बी, बी बी डॉट ए, या ए प्लस बी, बी प्लस ए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट की भी एक प्रॉपर्टी दूसरी देखते हैं जो हमें बहुत बार काम आने वाली है, और इसको अच्छे से आपको ध्यान भी रखना है कि अगर दो सेम वेक्टर हो, जैसे आपके पास हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू सेम वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। साथ साथ में मैं डॉट भी रिपीट करवा देता हूं, आपने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, ए स्क्वायर के बराबर आया था, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। क्यों आएगा, देखिए ए क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड साइन। अब देखो दिस इज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी यही है ए, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, आइदर जीरो और 180 डिग्री, या फिर एक वेक्टर सपोज करो ये है और दूसरा वेक्टर क्या है, ये है, लीनियर है या कोलिनियर है, तो एंगल कितना हो गया, आइदर जीरो और 180 डिग्री। और साइन जीरो और 180 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो ये सारा रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एस यूनिट वेक्टर की टर्म में ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो और के क्रॉस के हो, हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था, आई डॉट आई वन आया था, जे डॉट जे वन आया था, के डॉट के कितना आया था, वन, बट क्रॉस प्रोडक्ट में कितना आएगा, ये जीरो आएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों आपके पास, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सिमिलर वेक्टर ही मान लेता हूं, जैसे ए और ए हैं, ए और ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका मुझे अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो वो क्या आएगा, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो क्या आएगा, ये ए क्रॉस ए, तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, वन, और जो भी डायरेक्शन आएगी, क्योंकि नया वेक्टर आने वाला ना, जो भी डायरेक्शन आएगी तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन 90 वन होता है वो डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी या तो ये ऐसे बाहर की तरफ या ऐसे अंदर की तरफ। अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हैं, सपोज करो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज आल्सो वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं, एक और बी का, इन दोनों का, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, एक्स का वाई का परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड होता है ना, तो ये जो प्रोडक्ट आया है ए स्क्वायर, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, ए स्क्वायर, और मैं अगर इधर ले रहा हूं, इससे इस डायरेक्शन में ले रहा हूं वैसे, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, ऐसे लूंगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके, ठीक। अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की बात करूं, अगर इसी को मैं यूनिट वेक्टर्स की टर्म में लिखना चाहूं, जैसे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस का जे होता है,
उनका हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो उसको आप कुछ ऐसे करके याद करो। ये हो गया आई, यहां लिखो जे और यहां लिखो के, और क्लॉकवाइज चलो। आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आएगा के, क्योंकि यूनिट वेक्टर है आई। कैसे लिखूंगा देखो, एक करके बता रहा हूं आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई क्रॉस जे को हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन, इन दोनों के बीच में ऐसे हैं, ये आई है, ये जे है, और जेड एक्सिस में ये कौन हो गया के, एंगल कितना यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इनके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आने वाली है, तो परपेंडिकुलर कौन है, कौन है जेड एक्सिस, जेड का यूनिट वेक्टर कौन है के, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिट वेक्टर लगाते हैं ना यहाँ पे, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर कौन है के वेक्टर है, तो हो गया के, यानी आई की वैल्यू कितनी 1, जे की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, और इनटू कितना हुआ यूनिट वेक्टर के, इसका मतलब आपके पास क्या आया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, समझ गए ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना। फिर जे से के की तरफ आ जाओ, यानी आपको क्या करना है, जे क्रॉस के करोगे तो जे और के का परपेंडिकुलर कौन है एक्स, तो ये रिजल्ट आ जाएगा किसके बराबर, यूनिट वेक्टर आई के बराबर। और फिर आप चल जाओ यहां से इधर, इस बार क्या करेंगे आप, करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है जे, दैट इज इक्वल टू जे। कैसे, क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये इधर और ये इधर, ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ, अगर आपके पास ऐसे चलना हो आपको ऐसे, यानी आई का के साथ करना हो, आई क्रॉस के, तो पता है इसकी डायरेक्शन क्या है, के क्रॉस आई आप निकालते हो, के से आई की तरफ जा रहे हो तो आउट ऑफ द पेज जा रही है, आई से के की तरफ जाओगे तो इनटू द पेज आएगी, डायरेक्शन अपोजिट आएगी ना, जैसे यहां पे आ रही थी इन दोनों की, तो अपोजिट होगी, तो यहां पे क्या लिख देंगे, माइन इज इक्वल टू माइनस जे, और यहां पे के क्रॉस अगर जे करोगे दैट इज इक्वल टू माइनस आई, और इधर जे क्रॉस आई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत जरूरी है ये आपको समझने के लिए, के क्रॉस आई जे है और आई क्रॉस के माइनस जे है, क्रॉस प्रोडक्ट की इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ये सारे के सारे जीरो थे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाता था, जीरो के बराबर हो जाता था। क्यों होता था जीरो के बराबर, क्योंकि वो हम लिखते थे आई जे कोस थीटा, यानी आई जे कोस 90, और कोस 90 जीरो होता है, तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाता था, जीरो के बराबर, स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से याद करें, याद क्या करना है, समझना है इसको अच्छे से, यहाँ पे ये राइट हैंड थंब रूल लगा के और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहां से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होगा, जैसे आपके पास ऐसे हो वेक्टर ए क्रॉस इनटू वेक्टर बी प्लस सी दिखाओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये आपने देखा था, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। थर्ड, एसोसिएटिव भी होता है। ये अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी बन रही है, फोर्थ फिफ्थ जो भी बन रही है देख लेना, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं डाला ना बीच में, इसलिए यहाँ पे सब कुछ हो गया गोलमाल। तो क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी आपके पास कैसी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव कैसे, मान लीजिए आपके पास ऐसे दे रखा हो, आपके पास है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए, पहले ए का इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, फिर बी का इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ये है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, ए सी के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस
ए क्रॉस डी, फिर इसके साथ प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी, इस प्रकार से हम इस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है टॉर्क, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है, वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। और टॉर्क जो होता है वो होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का जो मीनिंग होता है वो आप समझ लें। टॉर्क का मतलब होता है, अभी तक आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा नहीं होगा, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वैसे तो फोर्स जो होता है, देखो फोर्स के मैं इफेक्ट्स देखता हूं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर यहां पे आप फोर्स लगाते हो वैसे तो क्या होगा, सोच के देखिए। जैसे आप ऐसे कंसीडर कर लो, जैसे ये चौक है, ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्लैब के ऊपर ये मैंने चौक रखा, ऐसे इस स्लैब पे मैंने ये चौक रखा और इसके ऊपर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो ये ऐसे आगे की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ये ऐसे आगे की तरफ मूव करना शुरू बोल देता है तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। मतलब फोर्स का एक इफेक्ट है ट्रांसलेशन। फोर्स क्या कर सकता है? ट्रांसलेशन कर सकता है। अब दूसरा इसी के बारे में सोचिए, ये रोड है और इसके ऊपर आप यहां फोर्स लगाते हो ऐसे करके, फोर्स आपने ऐसे लगाया, इसका मतलब ये इस प्रकार से ये रोड थी, ये रोड थी आपके पास और इसके यहां फोर्स लगाया, तो यहां फोर्स लगाओगे तो देखो ये ऐसे घूम जाता है, यहां फोर्स लगाओगे तो इस रोड की जो पोजिशन है वो ऐसे हो जाएगी, यहाँ फोर्स कंटिन्यूस रखते हो तो फिर यहाँ, फिर कंटिन्यू यहाँ पे, इसको हम हिंज कर देते हैं ना ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, तो इस प्रकार से एक सर्कल में चलता है, यानी हम बोलते हैं कि इस प्रकार से ये टर्न हो जाता है रोड। तो ये जो इफेक्ट है फोर्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? आर है, या आर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस F, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से लिखा जाता है। एक एग्जांपल हम और भी लिख सकते हैं इसका, और वो है जैसे वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, उसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखना हो, अभी तक आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक बार आप इसको सिर्फ ऐसे नोट कर लो कि लीनियर वेलोसिटी v को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर। क्या लिख सकते हैं? वी को ओमेगा क्रॉस आर। लीनियर एक्सेलेरेशन ए को हम लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन इनटू आर, जहां पे आर क्या है? सर्कुलर पाथ जिसमें वो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि सर्कल में जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, सर्कल में जो एक्सेलेरेशन होता है उसको एंगुलर एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और उसका आर क्या है? आर उसकी रेडियस है। तो ये अल्फा क्रॉस आर से लिखा जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर से लिखा जाएगा, वी इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू दिस। ये कुछ इसके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं किसके? वेक्टर प्रोडक्ट के। ओके, अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट टू और मोर देन टू वेक्टर्स का, अब हम ये देखने वाले हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है टू वेक्टर्स का वो हम फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ये जो जैसे इसी को मान लो आपको r दे दे कहीं पे और f की वैल्यू दे दे, तो आपसे कहे कि r क्रॉस f फाइंड आउट करो, तो r क्रॉस f हम निकालेंगे कैसे? यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाए, r की वैल्यू मिल जाए, ओमेगा क्रॉस r निकालेंगे कैसे, अल्फा क्रॉस r निकालेंगे कैसे, वो अब हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, एक वेक्टर ए है, मैं इसका कोई वेक्टर ही मान लेता हूं, जैसे हमने मान लिया 2i प्लस 3j प्लस k, कोई भी एक वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, और दूसरा वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं b इज इक्वल टू जैसे हमने कंसीडर कर लिया 3i प्लस j माइनस k, इस प्रकार से हमने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए,
और इसका फाइंड करना है हमें ए क्रॉस बी। कैसे फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी कितना होगा? देखिए इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे आई जे और के, यूनिट वेक्टर लिख लिए। अब आई का जो कोफिशियंट है वो यहां लिख देते हैं, आई का कोफिशियंट कितना है 2 है और कितना है 3, फिर जे का है 3 और 1, के का कोफिशियंट है 1 एंड -1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले ए के कोफिशियंट लिखेंगे बाद में बी के कोफिशियंट लिखेंगे। इसको निकालने का वे ये है कि आई जिस भी रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, यानी आई के लिए जो भी रो और कॉलम आते हैं उसको छोड़ दो, तो आपके पास ये बचा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 × -1, तो कितना हो गया ये -3, माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे फिर -1 × 1 कितना हो गया 1, तो -1 और ये हो गया आई, माइनस लगा के। अब क्या करेंगे, जे का करना है तो जे जिस भी रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ देंगे, ये छूट जाएंगे। अब 2 × -1 तो कितना हो जाएगा -2 और माइनस का साइन 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3 और ये कौन बन गया जे बन गया। ओके फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, ओके स्टार्टिंग प्लस से करनी है फिर माइनस फिर प्लस, और इस बार करना है के का, तो के के लिए भी वही करते हैं, के के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो ये और ये के लिए छूट जाएगा। अब आपके पास बचेगा 2 का, यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 था ना, 2 का 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 का 3 के साथ, 3 कितना हो जाएगा 9 और ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां से के, तो रिजल्ट आपके पास यहां से कितना बनेगा, ये बनेगा -1 और -3 हो गया -4 आई, -5 पे हो जाएगा +5j और -7, ये एक वेक्टर बन गया है, ये किसके बराबर है ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है। और अगर इसका अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है, तो मैग्नीट्यूड आप पहले भी फाइंड कर चुके हो, कैसे करेंगे, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 +5 का स्क्वायर 25 और -7 का स्क्वायर +49 और सारे का अंडर रूट, इसको सोल्व कर देना, जो भी रिजल्ट आएगा वैसे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर से देख लो, पहले आई जे के लिखेंगे, आई के नीचे आई के कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे के कोएफिशिएंट, के नीचे के कोएफिशिएंट। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हो तो पहले ए के कोएफिशिएंट लिखने हैं बाद में बी के कोएफिशिएंट लिखते हैं, अगर आप बी क्रॉस ए लिखते हो तो पहले बी के कोएफिशिएंट बाद में ए के कोएफिशिएंट, ठीक है। और फिर आई जिस भी रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ देंगे, रो कॉलम आई का छोड़ देंगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, फिर माइनस जे का लिए भी ऐसा ही करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर के साथ भी ऐसा ही करेंगे, के जिस भी रो कॉलम में आता है उसको छोड़ देंगे, और फिर आएगा ये और ये, ओके। तो ऐसे करके आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा।